हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फिर हम आपके सामने लेके आए हैं कि यूट्यूब की बहुत सी प्यारी सी ट्रिक। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मान लो हमारे पास ये चार वॉल मैंने बनाई हैं और मल्टीपल लेवल क्रिएट किए हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके जब मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, ये मैंने मल्टीपल कॉपी की, तो इस तरीके से मेरी वॉल यहाँ पे बन जाती है। जब इस तरीके से वॉल बनती है तो यहाँ पे ये लाइंस आ जाती हैं, क्योंकि अलग अलग वॉल है। अगर एक सिंगल वॉल होती तो लाइन नहीं आती, बट अलग अलग वॉल है तो ये लाइंस आना बहुत यहाँ पे आई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइंस मुझे ना दिखाई दें ताकि मेरे को एक सिंगल वॉल नजर आए, नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे, अगर आपकी वॉल होती है तो एक सिंगल वॉल ही नजर आती है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मुझे इन वॉल्स लाइंस को हाइड करना पड़ेगा। तो इसको हाइड हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली क्या होता है कि मॉडिफाई में जाओगे, ये जो लाइन होती है ना, लाइन को चेंज करने के मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन वर्क। लाइन वर्क पे क्लिक करोगे, आप अपनी लाइन वर्क को इतने तरीकों से चेंज कर सकते हो, सेंटर लाइन, ये सब हिडन लाइन, ये सारी आपके पास लाइन है। तो हमें क्या करना है, मैनेज पे जाओ, एडिशनल सेटिंग पे जाओ, लाइन स्टाइल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जितनी भी वो लाइन थी इतनी सारी आपकी लाइन आ गई, हम एक न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट ए न्यू लाइन, मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा नो लाइन कि वहां पे कोई लाइन नजर ना आए, सब कैटेगरी ऑफ लाइन, ओके। तो ये लाइन की सब कैटेगरी में आपका ऐड हो जाएगा। करना सिर्फ इतना, आप इसको ब्लैक से हटा के व्हाइट कर दो एंड ओके करोगे, ओके करोगे। तो अब क्या होगा कि अगर आप मॉडिफाई में जाओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे नो लाइन के नाम से आपकी एक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप इस पे क्लिक करें और जिस भी लाइन पे आप क्लिक करोगे वो आपकी नो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे है, आप इस पे भी क्लिक कर दो, ऐसे लाइन ऑलरेडी वहां पे है, सिर्फ उसने उसका कलर कर दिया आपका व्हाइट, ताकि वो इस तरीके से दिखाई दे प्लेन। अब यहाँ पे देखो आपको लग रहा है ना एक सिंगल वॉल, और यहाँ पे मल्टीपल वॉल्स आप कर सकते हो, बट अगर आपको ये भी हटाना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको हटा सकते हो ताकि आपको नो लाइन यहाँ पे नजर आए। अब इससे आप ये भी हटा सकते हो, बट ये थोड़ा सा आपका सही नजर नहीं आएगा कि किस तरीके से है, तो ये हम हटाएंगे नहीं। एज वाली बाउंड्री, तो मिडल वाली जितनी भी लाइन है हम उसको हटा सकते हैं। कहीं पे भी आपके पूरे रैबिट में कोई भी लाइन है, आपको व्हाइट कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो अपने लाइन में जाके, या किसी भी मेथड से आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो लाइन उसी तरीके से वहां पे रिएक्ट करेगी जैसे आप यहाँ पे देखना चाहते हो। क्लियर है? तो ये था आज की ट्रिक, लाइन को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।